हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पूनम स्मार्ट किचन। आज हम लोग बनाने जा रहे बहुत ही क्रिस्पी और मजेदार आलू की टिक्की चाट। चाट हो तो आलू की टिक्की चाट जैसा, जिसका नाम सुनकर बच्चों के ही नहीं बड़ों के मुंह में भी पानी आ जाता है। पर जब भी हम घर पर आलू की टिक्की बनाते हैं तो वो बाजार के जैसी क्रिस्पी और कुरकुरी नहीं बनती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप बड़ी ही आसानी के साथ बाजार से भी अच्छी आलू की टिक्की चाट घर पर बना सकते हैं, और मुझे यकीन है कि आपको यह रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आलू की टिक्की बनाने के लिए मैंने लिया है 500 ग्राम आलू। आलू को उबाल कर मैंने छील लिया है। जब आलू नॉर्मल ठंडा हो जाए तब हम इसे अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे। आप चाहे तो पोटैटो मैशर से भी इसे मैश कर सकते हैं, या फिर हाथों से ही इसे मैश कर लीजिए। बस ध्यान रखना है कि आलू अच्छी तरह से बारीक मैश होना चाहिए। तो सभी आलू को मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे काला नमक आधा छोटा चम्मच। अब हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, जीरा पाउडर आधा छोटा चम्मच, कुटी हुई काली मिर्च आधा छोटा चम्मच, चाट मसाला पाउडर एक छोटा चम्मच, चिली फ्लेक्स एक छोटा चम्मच। आप चाहे तो चिली फ्लेक्स की जगह लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम डालेंगे आलू की टिक्की का मेन इंग्रेडिएंट चावल का आटा। यह लगभग 50 ग्राम है। चावल का आटा मिलाने से ही बाजार वाली आलू की टिक्की ज्यादा क्रिस्पी बनती है। अगर चावल का आटा नहीं है तो आप चावल को मिक्सी में भी पीस कर यूज कर सकते हैं। और अब हम डालेंगे हरी मिर्च स्वाद अनुसार, एक इंच अदरक बारीक घिसा हुआ, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, अब हम इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए डो तैयार करेंगे। अगर आपके डो में नमी ज्यादा है तो आप चावल का आटा थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि हमें इसे उतना ही डालना है जिससे हमारा डो अच्छी तरह से बाइंड हो जाए और आलू का स्वाद भी भरपूर आए। अगर आप ज्यादा चावल का आटा डालते हैं तो आलू का स्वाद कम हो जाएगा और टिक्की खाने में भी ज्यादा मजेदार नहीं लगेगी। आप चाहे तो चावल के आटे की जगह कॉर्नफ्लोर का भी यूज कर सकते हैं। बस इसमें जो भी डालिए कम से कम डालिए और जितना में डो बाइंड हो जाए उतना ही डालिए। तो अब टिक्की के लिए डो तैयार हो चुकी है। अब हम टिक्की बनाना शुरू करते हैं। हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, इससे टिक्की बनाते समय हाथों में आलू चिपकेगी नहीं। इस तरह से हम थोड़ा सा डो लेकर बॉल बनाएंगे और इसे इस तरह से रोल करते हुए हम इसे दबाकर टिक्की का शेप दे देंगे। थोड़ा किनारों को भी इस तरह से रोल कर देंगे ताकि यह स्मूथ हो जाए। मैं आपको फिर से बनाकर दिखा देती हूँ। थोड़ा सा डो लेंगे और इस तरह से इसका स्मूथ बॉल बनाएंगे। थोड़ा हथेलियों से रोल करेंगे और इसे दबाते हुए इसके किनारों को रोल करते हुए इसे टिक्की का शेप दे देंगे। टिक्की आप अपने मनपसंद छोटी या बड़ी बना सकते हैं। तो लीजिए, इस तरह से मैंने सारी टिक्की को बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए फ्रीजर में रखकर छोड़ देंगे, जिससे यह तलने के दौरान टूटेगी नहीं और टिक्की बहुत ही करारी बनेगी। अब हमारी आलू की टिक्की तलने के लिए तैयार है। एक पैन गरम करेंगे। हम लोग टिक्की को सेलो फ्राई कर रहे हैं तो उसी अनुसार से तेल डालेंगे। तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें कुछ टिक्की को एक एक करके डालेंगे।
और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक लो हीट पर सेलो फ्राई करेंगे। लो हीट पर सेलो फ्राई करने से थोड़ा टाइम तो लगता है, पर आलू की टिक्की बहुत ही क्रिस्पी और मजेदार बनती है, साथ ही यह अंदर तक भी पक जाती है। अब हमारी टिक्की नीचे से अच्छी तरह से फ्राई होकर गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसे पलट देते हैं। दूसरी तरफ से भी हम इसे लो हीट पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। फिर से एक बार पलट कर देखते हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से हमारी टिक्की अच्छी तरह से फ्राई होकर गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो हम अब इसे निकाल लेते हैं। तो लीजिए, अब हमारी क्रिस्पी, करारी और मजेदार आलू की टिक्की बनकर तैयार है। अब हम चाट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे आलू की टिक्की और इसके ऊपर डालेंगे ठंडी दही। अब हम डालेंगे हरी तीखी चटनी। और इसमें डालेंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी। और थोड़ा सा चाट मसाला, इससे इसका स्वाद बहुत ही बढ़ जाएगा। थोड़ा सा स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर और इसके ऊपर थोड़ा सा बारीक सेव। तो लीजिए, गर्मा गर्म और बहुत ही टेस्टी आलू की टिक्की चाट तैयार है। तो इसी तरह से आप आलू की टिक्की चाट घर पे बनाइए और खाकर बताइए कि कैसी बनी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट जरूर करें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।